इन इनोवेटिव वेज एन इज़ विलिंग टू टेक रिस्क एंड ओ अनसर्टर्निटी टू एक्ट यानी ऑनटपन्योर एक इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल क्या करेगा वो इंडिविजुअल कोई ना कोई इनिशियेटिव लेगा और इनिशिएटिव का मतलब है कि वो कोई ना कोई वेंचर या फार्म क्रिएट करेगा जब वो कोई ना कोई वेंचर या फॉर्म क्रिएट करेगा तो फॉर्म क्रिएशन के लिए ऑब्वियसली उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो रिसोर्सेज उसके मैनेजरियल स्किल्स भी हो सकते हैं उसके टेक्निकल स्किल्स भी हो सकते हैं उसकी टीम भी हो सकती है उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट या वो इन्वेस्टमेंट जो उसने किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट से ली हुई है वो भी हो सकती है सो so, वो उन तमाम रिसोर्सेज को बंडल अप करेगा और जब उन रिसोर्स को एक साथ बंडल अप करेगा तो ऑब्वियसली वो कोशिश करेगा कि उन रिसोर्स को एक इनोवेटिव और एक एफिशिएंट वे के अंदर एक दूसरे के साथ जोड़ सके और जब वो ये तमाम काम कर रहा होगा तो ऑब्वियसली वो एक रिस्क लेगा और जब वो रिस्क लेगा तो ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी भी आएगी अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि वो ये नहीं जानता कि उसने जो तो प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन किया है या जो उसने बिजनेस मॉडल बनाया है वो आने वाले वक्तों में कामयाब होगा भी या नहीं लेट्स टेक अनादर एग्जाम्पल ऑन्टर इज द वन हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस इन द फेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग प्रॉफिट एंड ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज एंड assembling the necessary resources टू कैपिटलाइज ऑन them. इस डेफिनेशन में थोड़ी और डायमेंशन एड हुए हैं कुछ डायमेंशंस तो वही थी जिनके बारे में हमने पहले बात की नंबर वन ऑन्टरपिन्योर एक इंडिविजुअल होगा नंबर टू वो अपना बिजनेस क्रिएट करेगा जब अपना बिजनेस क्रिएट करेगा या अपना एक बिजनेस मॉडल डिजाइन करेगा तो ऑबियसली एक अनसर्टनिटी होगी एक रिस्क वो जरूर लेगा बिकॉज अपने सारे रिसोर्सेज वो पूल करके एक बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट कर रहा होगा उसके अलावा ऑब्वियसली जब वो एक बिजनेस करेगा तो बिजनेस हमेशा फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट किया जाता है और उसके साथ साथ जब कोई भी बिजनेस मॉडल बनाया जाता है तो ऑबियसली वो बेस कर रहा होता है एक आइडिया के ऊपर और आइडिया किसी न किसी ऑपरचुनिटी से वो ऑपरचुनिटी चाहे आपको मार्केट से मिले वो ऑपरचुनिटी चाहे आपको इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू से मिले या जो साइकोलॉजिकल या सोशोलॉजिकल ब्रेक थ्रू से मिले या फिर वो अपॉर्चुनिटी आपकी अपनी क्रिएटिव ही क्यों ना हो आप उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करेंगे बिजनेस आइडिया में और फिर उस बिजनेस आइडिया की बेसिस के ऊपर अपना एक बिजनेस मॉडल बनाएंगे और ऑब्वियसली उसके लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत होगी लेट्स टेक अनदर अदर डेफिनेशन ये डेफिनेशन जब आप बिजनेस डिक्शनरी डॉट कॉम पर जाएंगे तो आपको एक डिटेल डेफिनेशन मिलेगी कि हु इज एन ऑनटरप्र्योर सो डेफिनेशन इज

आपके जहन में एक सवाल जरूर आना चाहिए क्या ऑनटरपन्यशिप या क्या ऑनटरपिन्योर सिर्फ और सिर्फ एक नया बिजनेस ही क्रिएट करता है यानी हमारे जहनों में यह सवाल आता है कि अगर आपने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है तो क्या आप ऑनटरपन्यर नहीं हैं क्या आपने कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय किया है तो क्या आप ऑनटरपेन्योर नहीं हैं या फिर आपने कोई फ्रेंचाइज ओपन की है तो क्या आप ऑनटरपेन्योर नहीं हैं दी आंसर इज येस यू आर एन ऑनटरप्र्योर बिकॉज यहां पर हमने बात की है कि एक्सरसाइज एंड इनिशिएटिव बाई ऑर्गेनाइजिंग अ वेंचर यानी आप एक वेंचर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो चाहे आपका अपना खुद का क्रिएटेड हो चाहे आपने वो बिज एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय किया हो चाहे आपने फ्रेंचाइज ओपन की हो या अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया हो यू आर एन ऑनटरप्र्योर ऑब्वियसली जो आपका बिजनेस आइडिया होगा इट विल भी बेस्ड ऑन समॉरचुनिटी और ऑपरचुनिटी के लिए ऑब्वियसली आप डिसीजन ले रहे होंगे रिस्क ले रहे होंगे कि कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस आपको मार्केट में लेकर जानी चाहिए द इज अ दिन प्रोपराइटर पार्टनर और वन हु द मेजोरिटी ऑफ शेयर इन वेंचर यानी अगर आप अकेले अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हैं तो भी आप ऑनटरप्रन्योर हैं अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है तो भी आप ऑनटरप्रन्य हैं आपको बहुत से ऐसे वेंचर्स जो बहुत कामयाब हैं जब आप उनकी आ, बिब्लियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि वो पार्टनरशिप बेस्ड है और उसके अलावा अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस बाई किया है या उसके मेजोरिटी मेजॉरिटी मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स आपने परचेस कर लिए हैं तो भी आप ऑनटरप्रन्यर हैं शैम पीटर ने एक बात जो ऐड की थी ऑन्टप्रीनोरस के डेफिनेशन में वो ये ऐड की थी कि ठीक है आप अपना बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उस अपॉरचुनिटी को आपने बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर लिया है और अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट करने के बाद अब आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन कर रहे हैं ताकि आप मार्केट में कंज्यूमर्स तक या अपने क्लाइंट्स तक लेके जा सकें बट रिमेंबर वन थिंग ऑन्टरप्रीनोरस आर नॉट मोटिवेटेड या हम यूं कह सकते हैं कि ऑनटरप्रनोर आर नॉट ओनली मोटिवेटेड बाय द फाइनेंशियल रिवॉर्ड लुक एट दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू शैम पीटर

आप अगर लिखते हैं कि सक्सेसफुल ऑन सो आपके पास कुछ नाम बार बार सामने पॉप अप होकर आएंगे जो लोग गाड़ियों का शौक रखते हैं वो जानते हैं हैंनरी फोर्ड फोर्ड ऑटोमोबाइल्स, राइट आप में से जो कार्टून्स uh, या मूवीज देखने का शौक़ रखते हैं वो वॉल्ट डिज्नी के बारे में जरूर जानते होंगे स्टीव जॉब ऑफकोर्स आई पॉड आई पैड मैकबॉक uh, uh, ये इस तमाम के तमाम ब्रांडेड आपके जितने स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स हैं उनके बानी और बिल गेट्स जिनके बगैर आपका और मेरा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट नहीं करता दे आर वेरी सक्सेसफुल ऑन्टरपिन लाइक वाइज माइकल डेल डेल मशीन कंप्यूटर्स जो हमारे और आपके लिए मैन्यूफैक्चर करते हैं मार्क जूकेबर्ग ऑब्वियसली फेसबुक जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना के रखा हुआ है और जैक मॉ जिन्होंने ऑनलाइन सबसे बड़ा होल और रिटेलर स्टोर ओपन किए रखा है और अब आप अगर कोई चीज़ चाइना में से मंगवाना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है अब आ जाते हैं पाकिस्तानी ऑन्ट की तरफ और पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनकी जिंदगियों के बारे में आप जानें और ज़रूर पढ़ें आपको बहुत से सक्सेस फैक्टर्स उनकी जिंदगियों से मिलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हकीम मोहम्मद सईद बहुत बड़ा नाम जिन्होंने हमदर्द जैसा एक बड़ा एंटरप्राइज हमें दिया उसके अलावा आफ्ताब टिपाल टिपाल टी हाउस हम सब का हाउस होल्ड नेम है उसके अलावा आदम जी दाऊ जिन्होंने बहुत बड़ा आदम जी ग्रुप आप और हम सब जानते हैं खड़ा किया उसके अलावा अगर रीसेंट यर्स में हम देखें तो मियाँ मोहम्मद दीन सुपर एशिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा लोकल ब्रांड डॉक्टर अमजद साकिब जिन्होंने अख़ुवत जैसी एक बहुत बड़ी सोशल एंटरप्राइज खड़ी की और डॉक्टर अमजद साकिब ने एक किताब लिखी है कामयाब लोग और ये किताब है चिनियोटी जो है ऑनटपनोर्स उनके बारे में किस तरह वो बिजनेस करते रहे और क्यों वो कामयाब बिजनेसमैन मैन ठहराए ये किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है रोशान जफर कश फाउंडेशन बहुत बड़ा नाम और बहुत कामयाब उसके अलावा हमारे पास अगर जो फैशन इंडस्ट्री से जिन जिनको शौक़ है फ़ैशन इंडस्ट्री को ऑब्ज़र्व करने का वहाँ के ट्रेंड्स को ऑब्ज़र्व करने का मारिया बी सना सफीनाज बहुत बड़े नाम है और उन्होंने पाकिस्तान के बहुत लोकल ब्रांड्स को बहुत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर रिप्रेजेंट किया है आप में से जो टेलीविजन देखने का शौक़ रखते हैं मोमिना दुरीत दुरेद प्रोडक्शन के नाम से या मोमिना दुरेद प्रोडक्शन के नाम से वो चलाती हैं और बहुत Uh, उनके जो एंटरप्राइज है वो एक, uh, एक एक बड़ा बहुत बड़ा सोर्स है जितने भी नए कमर्स उनको ब्रेक थ्रू देने का सलीम गौरी नेट सो uh, मूनस रहमान फ्राम रॉजी डॉट पी के उसके अलावा जिशान अली ख़ान एंड इमरान अली ख़ान जमीन डॉट कॉम जो इस वक्त पाकिस्तान की ऑनलाइन सबसे बड़ी रियल स्टेट प्लेटफॉर्म है और उसके अलावा uh, स्मार्टफ़ोन के अंदर सबसे बड़ा लोकल ब्रांड विच इज़ क्यू मोबाइल जिनके मियाँ जिशान अख्तर जो हैं वो ऑनर हैं ये बहुत बड़े नाम हैं ये तमाम के तमाम ऑनटरप्रियोर्स और इनसे रिलेटेड जितनी भी इनकी जो स्ट्रगल है और इनकी जो सक्सेस स्टोरी है जब आप उनको पढ़ेंगे या उनके बारे में जानेंगे तो आपको कुछ कॉमन थीम नज़र आएंगे और ये वही सारे कॉमन थीम्स हैं जो आपको ऑन्टरप्रनीरशिप की डेफिनेशन और ऑन्टपनीर की डेफिनेशन में से नजर आएंगे और वो कॉमन थीम्स ये हैं नंबर वन ऑन्टरप्र्योर इज द वन हु क्रिएट्स अ वेंचर और हु क्रिएट्स अ वैल्यू यानी अभी हमने एग्जाम्पल आपसे शेयर की कि हमदर्द हो अखवत हो या कश फाउंडेशन हो वो एक एंटरप्राइज भी है और वो एक सोशल वैल्यू भी क्रिएट कर रही है नंबर टू ऑनटरप्रोर इज द वन हु क्रिएट्स जॉब नंबर थ्री ऑन्टोर पैक्स टुगेदर द रिसोर्सेज इन एन इनोवेटिव वे रिसोर्सेस की एफिशंट सबसे एफिशियंट जो यूज है वो एक ऑन्टरप्रोर से बेहतर और कोई नहीं कर सकता ही इज अ रिस्क टेकर और शी इज अ रिस्क टेकर और रिस्क टेकिंग भी सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट है ऑनटरप्रन्योर के दरम्यान में नेक्स्ट ही इज द वन हु कैन आइडेंटिफाई दर्चुनिटी एंड टर्न दर्चुनिटी इन टू द बिजनेस आइडिया ही इज मोटिवेटेड एंड कमिटेड एंड द लास्ट वन इज हु इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग इन नेचर अपने रिसोर्सेज को बहुत अनकनवेंशनल और अनऑर्थोडॉक्स वे के अंदर इस्तेमाल करने वाले ऑनटरप्रोर्स कहलाते हैं ये तो थी वो डेफिनेशंस जो कि किताबों में लिखी हैं या जो आपको इंटरनेट पे फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हो जाती हैं बट चलिए आपको अपनी ऑनटरपन्यर्स की टीम के पास लेके चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऑनटरप्रोर्स ऑनटरप्रोर्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं आई थिंक ऑनट्रप्रोर एक बहुत वाइड uh, डेफिनेशन है और मेरे ख़्याल में ऑन्ट्रप्र्योर्स जो होते हैं वो रिस्क टेकर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटर्स होते हैं वो विजनरीज़ होते हैं वो सिर्फ़ uh, uh, ये नहीं होता कि उन्होंने कुछ करना है या कुछ करके दिखा देना है नहीं उनका काम ये है एज़ एन ऑनटरप्रेन्योर्स जैसे मैं अपने आप को हमेशा कन्फ्यूजन में देखती थी कि क्या एम आई एन ऑन्ट्रप्रोर या मैं एक बिजनेस में हूँ तो हमारे यहाँ मेरे ख़्याल है बिज़नेस मैन और एक ऑन्टरप्रेन्योर में एक डिफ्रेंस बहुत बड़ा है कि ऑनटरप्रेन्योर्स वो एक नया आइडिया लेकर आते हैं उनके आइडियाज़ हमेशा इनोवेशन में होंगे या वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि ऑनटरप्रेन कौन होते हैं वो रिस्क टेकर्स होते हैं और रिस्क टेकिंग इज़ द हाइस्ट आई थिंक थिंक जो आम बिज़नेस मैन दस दफ़ा सोचेगा कि सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को देखेगा लेकिन आई थिंक ऑनटरप्रन्यर्स में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि और कि वो ज़्यादातर ऐसे आइडियाज़ को लेकर आते हैं जो कॉमन नहीं होते बहुत इनोवेटिव होते हैं और जब जाहरी बात है जब एक चीज़ इनोवेशन में आएगी और कोई सी ने कोई कॉपी नहीं किया होगा तो उसमें रिस्क जो बैलेंस होगा या रिस्क फैक्टर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा तो यही वजह है कि मेरा ख़्याल है कि हमारे यहाँ ऑन्ट्रप्रोर्स जो हैं वो आ, उस तरीक़े से डेवलपमेंट नहीं हो रहे है, जैसे दी अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहे हैं और यहाँ पे हम अभी भी आ, हम अगर देखें एज अ सोसाइटी तो हम बिज़नेस मैन को और ऑनटरप्रेनोर को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं तो मेरे ख्याल है आर द हाई रिस्क टेकर्स